हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स एकेडमी में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। आज का अपना नया टॉपिक है जो इंटीग्रेशन। कल के हमने फर्स्ट पार्ट में एक क्वेश्चन लिया था इंटीग्रेशन का, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। अब हम एक ऐसा ही छोटा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा आपको और तुरंत जल्दी से जल्दी हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है लोअर लिमिट है इंटीग्रेशन की 1 से और अपर लिमिट क्या है 2। dx अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस 1 x प्लस 2 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। अब क्या लेंगे हम यहां से, वैसे तो हम एलसीएम लेके वैसे भी ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा इसमें थोड़ा हमें टाइम लगेगा, तो टाइम की वजह से हम इसको थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं। शॉर्टकट कोशिश करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें जीरो बनाना है। तो हम जीरो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जीरो बनाएंगे हम, यहाँ पे मैं एक्स की जगह क्या रखूंगी, यहाँ पे जीरो बन जाए, यहाँ पे रखूंगा मैं माइनस वन। अब जो ये माइनस वन रखा है वो मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा, मैं यहाँ पे रखूंगा ओनली एक्स प्लस टू में। तो यहाँ पे एक्स की जगह रख दूंगा मैं माइनस वन। तो यहाँ से मैं थोड़ा रफली आइडिया ले लेता हूँ कि क्या आएगा, वन अपॉन माइनस वन प्लस 2। तो यहां से आ गया 1/1। तो यहां से a की वैल्यू क्या आई, 1। अब इसी प्रकार मैं b की वैल्यू फाउंड आउट करूंगा, वो कैसे करता हूं मैं, यहां पे मैं 0 बनाऊंगा, कहां पे, नीचे में 0 बनाऊंगा। तो यहां पे x की जगह में क्या रखूंगा, माइनस 2। x की जगह क्या रखूंगा, माइनस 2। अब यहाँ पे माइनस टू रखेंगे तो ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ पे नहीं रखेंगे हम, माइनस टू रखेंगे यहाँ पर। तो ये मैं रफली आइडिया ले लेता हूँ इसका क्या हो जाएगा, वन अपॉन माइनस टू प्लस वन इक्वल टू माइनस वन। तो यहां से हमें बी की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, माइनस वन, ये होगी। अब हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई, तो यहां से ए की वैल्यू क्या है, वन, एंड बी की वैल्यू क्या आई, माइनस वन। अब हम क्वेश्चन में आगे करते हैं, इसको लिखते हैं हम dx 1 x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 इंटीग्रेशन। इसको अलग अलग पार्ट में हम लिख लेते हैं जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, और a और b की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। तो यहां से हो गया x प्लस 1 डी एक्स माइनस लिमिट 1 से 2 1 अपॉन x प्लस 2 डी एक्स हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x प्लस ए इक्वल टू होता है log x प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट 1 अपॉन ए। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहां से उस फॉर्मूले को यूज करके हमने क्या लिखा, यहां पे log x प्लस 1 और लिमिट क्या रख देंगे हम 1 से 2। इसमें भी हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, log x प्लस 2 लिमिट रख देंगे 1 से 2। अब क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसमें आ जाएगा log x प्लस 1। अब हम दोनों को इनको कंबाइन कर देते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी log की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, वो क्या होती है, वो होती है log
ए माइनस लॉग बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बेसिकली स्टूडेंट्स लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन बी। हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहां पर, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहां पे लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस वन अपॉन लॉग एक्स प्लस टू। अब हमारी जो लिमिट है वो रख देते हैं वन से टू। अब आगे हम क्या करते हैं, यहां से मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, अब आगे हम लिखेंगे यहां से वैल्यू पुट करेंगे। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करने पे हो जाएगा लॉग टू प्लस वन अपॉन टू प्लस टू माइनस, लोअर लिमिट पुट करेंगे लॉग वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू, तो यहां से क्या आ जाएगा लॉग थ्री अपॉन फोर माइनस लॉग टू अपॉन थ्री। अब उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको कंबाइंड रूप में लिख सकते हैं, इसको कंबाइंड रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा लॉग थ्री बाय फोर अपॉन टू बाई थ्री। अब इसको हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये थ्री किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, थ्री से। यहां पर जनरली गलती हो जाती है, हम इसको टू को थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ये थ्री किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, थ्री से, और फोर किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, टू से। इसको हम लिख सकते हैं लॉग थ्री बाय फोर इंटू थ्री बाय टू, तो यहां से फाइनली क्या आ जाएगा लॉग नाइन बाय एट, और यही क्या है दोस्तों हमारा फाइनल आंसर।